fixed size of data. Array is a collection of fixed size of data. That called is array. इस तरीके दूसरी इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि store the fixed size sequential collection of elements. That called is data. That called is array. तो array को मैं अलग अलग तरीके से भी यूज ले सकता हूँ. जिस तरीके से हम कोई भी एक एरे ले रहे हैं, उस एरे के अंदर अगर किसी भी तरीके को अगर हम नॉर्मली किसी भी नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो इस तरीके से लिखता हूँ नंबर वन टू नंबर एन. अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये एक नॉर्मली अगर कोई भी डेटा टाइप हम यूज में लेते हैं तब हमें एरे की फॉर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. बट जब हम इसी चीज़ को हम एरे के फॉर्मेट में लेके जाते हैं, एरे में लेके जाते हैं, तो इस तरीके से भी हम लिखते हैं इसको. इसी चीज़ को इस तरीके से लिख रहे हैं उसके बाद में मैं उसी को डिक्लेयर करूंगा एरे नेम
सेमी कॉलन, ये इसकी फॉर्म टू। अब हमारे पास में जो ये है, ये स्टेटमेंट है, जो हमारे पास में ये डेटा डेटा टाइप एरे रेफरेंस वेरिएबल, ये एक जावा का परफेक्ट वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पर भी डिक्लेयर किया है। बट ये जो दूसरा मेरे पास डेटा टाइप एरे नेम, एरे रेफरेंस वेरिएबल टाइप एरे नेम, और इसी तरीके से अगर मैं डिक्लेयर करूँगा, ये जावा एक्सेप्ट तो करता है बट सी और सी प्लस प्लस से एडोप्टेड है, तो इसको हम नॉर्मल वे में हम यूज में नहीं ले सकते हैं। तो इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप का हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं कि किस टाइप का हमारा एरे, किस टाइप का है। जिस तरीके से मैं लिखूँ इंटीजर डबल फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग, किस टाइप का एरे है हमारा, उसका डिक्लेरेशन उसी तरीके से हम दे सकते हैं। अब मैं नॉर्मल वे में एक चीज़ लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इस तरीके से मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ कि क्या चीज़ है, किस तरीके से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल अगर फिक्स साइज ऑफ डेटा, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ फिक्स साइज ऑफ डेटा, दैट कॉल इज एरे। इस तरीके दूसरी इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि स्टोर द फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, दैट कॉल इज डेटा, दैट कॉल इज एरे। तो एरे को मैं अलग अलग तरीके से भी यूज ले सकता हूँ। जिस तरीके से हम कोई भी एक एरे ले रहे हैं, उस एरे के अंदर अगर किसी भी तरीके को अगर हम नॉर्मली किसी भी नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो इस तरीके से लिखता हूँ नंबर वन टू नंबर एन। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये एक नॉर्मली अगर कोई भी डेटा टाइप हम यूज में लेते हैं तब हमें एरे की फॉर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब हम इसी चीज़ को हम एरे के फॉर्मेट में लेके जाते हैं, एरे में लेके जाते हैं, तो इस तरीके से भी हम लिखते हैं इसको, इसी चीज़ को इस तरीके से लिखेंगे और रिजल्ट।